वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर अंजु मिस। होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैलेंस डाइट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं? डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर बहुत समय तक हमारी बॉडी को कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना मिले तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हीज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जैसे कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड नहीं करता है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसे बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कि ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टन ग्रोथ, या तो उस पर्सन की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सूजन होना स्टार्ट हो जाती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों का रंग चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन डिजीजेज और स्किन रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, एंड डायरिया। आल्सो इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई पर्सन लंबे समय तक अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ऐड नहीं करता है तो उसकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों की ही डेफिशिएंसी हो जाती है, तो भी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कि ही और शी बिकम वेरी लीन एंड थिन, वो पर्सन इतना पतला हो जाता है, इतना दुबला पतला हो जाता है, एंड सो वीक, इतना ज़्यादा कमज़ोर कि वो खुद से खड़े भी ना हो पाता है और ना ही चल सकता है। दैट्स वाई स्टूडेंट, इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीजेस होती हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। अगर हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें लॉस ऑफ विजन होता है, यानी कि हमारी जो देखने की शक्ति है वो कम हो जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? पोर विजन, धीरे धीरे हमें दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है या बहुत कम दिखाई देता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, और कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि उन्हें रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन का केमिकल नेम है थायामाइन। इसकी डेफिशिएंसी से के कारण बेरी बेरी हो जाती है और इसके सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स, जो हमारे मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारी बॉडी में बहुत कम एनर्जी रह जाती है काम करने के लिए। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स। गम्स क्या होते हैं? मसूड़े। हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है, वर्म्स टेक टाइम टू हील। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उस पर वर्म्स, उस पर जख्म आने में बहुत टाइम लग जाता है। देन विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं और इनके सिम्टम्स होते हैं बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन्स इतनी सॉफ्ट और इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो बेंट सी हो जाती हैं। लोगों की टांगें जो हैं टेढ़ी सी होने लगती हैं, क्योंकि बोन्स बहुत सॉफ्ट हो गई होती हैं और वो पर्सन की जो है बॉडी वेट को हैंडल नहीं कर पाती हैं, एंड दिस इज़ वेरी हॉरिबल डिजीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनरल। कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे बोन एंड टूथ डिके होना स्टार्ट कर जाते हैं। टूथ डिके यानी कि दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं वीक बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत सड़ने लगते हैं। आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है किसी पर्सन की बॉडी में तो उसे गॉइटर हो जाता है। गॉइटर के सिम्टम्स होते हैं ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वॉलन, जो नेक होती है वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और गॉइटर की वजह से छोटे छोटे बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी देखी जाती है।
देन आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पूरी बॉडी में वीकनेस फील होने लगती है और पर्सन की बॉडी में इतनी कम एनर्जी रह जाती है कि वो ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाता है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक मिल्क एंड ईट लेस जंक फूड एज इट मेक्स यू अनहेल्दी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।